एक कार्यक्रम नफरत मिटाओ देश बचाओ के संबंध में भाई बेताब जी की तरफ से आयोजित किया गया है। मंच पर बैठे हमारे गुरुजी और निगम पूर्व निगम पार्षद साहब मौलाना साहब और अन्य सारे साथियों और यहाँ बैठे हमारे भाइयों और दोस्तों बहनों, नफरत मिटाओ देश बचाओ इतना बड़ा कार्यक्रम है, यहाँ जो इतने लोग बैठे हैं, मैं दिल से गदगद होके कहता हूँ कि भाई बेताब जी ने वो कार्यक्रम रखा है कि जो शायद नफरत मिटाने की बुनियाद होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, नफरत क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, कौन कौन कर रहे हैं, इसमें मीडिया का क्या रोल है। मीडिया में आज जमकर झूठ बोला जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। नफरत यहीं से शुरू हो रही है और कौन कर रहा है वो कौन है समझो, वो मुसलमानों पर सीधा प्रहार करता है, पिछड़ों पर पीछे से वार करता है, वो दलितों को दबाना चाहता है, अपना दबदबा बनाना चाहता है, वो है कौन। नफरत कहां से हो रही है, इतना बड़ा प्रश्न भाई बेताब जी ने छेड़ दिया, हम सबको उस पर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। वो देश में आग लगाना चाहता है, लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप आग को आग से बुझा सकते हो? आग को पानी बुझाता है। मेरा कहने का मतलब है उस आग को बुझानी है, पानी से बुझाना है ताकि वो फिर आग न लगे। गांधी जी गुजरात के थे, वो सत्य और अहिंसा के आधार पर अंग्रेजों को भगा दिया। आज वहीं का एक नेता भारत में झूठ और हिंसा के बल पर पूरे देश को बर्बाद करना चाहता है। कहां से मिटेगी, इसकी जड़ पे प्रहार करना होगा। नफरत कहां से पैदा हो रही है, इस पर विचार करना होगा, ठंडे दिल से विचार करना होगा। यहां पे पाकिस्तान की बात दिखाता है, इजराइल फिलिस्तीन में जंग हो रही है, वो मणिपुर नहीं देखता, वो फिलिस्तीन दिखा के यहां नफरत पैदा करते हैं। मित्रों मुझे समझना होगा, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी मिट्टी के बने हैं और इसी में मिलेंगे। अगर किसी ने हमें मिटाने की कोशिश की तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वो इस गलत फहमी में रह रहे हैं कि आज सत्ता उनके हाथ है, सत्ता उनके हाथ है तो सेना का फोर्स का दुरुपयोग करते हैं। खतरा हमें उनकी तोप का नहीं है, खतरा हमें उस नफरत का है जिसका भाई बेताब जी ने यहां पे एक कार्यक्रम आयोजित किया कि नफरत मिटाओ। बिना नफरत मिटाए देश को नहीं बचाया जा सकता। अब मैं नफरत पे बताना चाहता हूं, अखबार झूठ लिखता है कि फला मुसलमान ने अखलाक में गाय की मांस का ऐसा कर दिया, नफरत फैल गई। बाद में पता चला को तो गाय की मांस ही नहीं थी, उस नफरत ने कितना बड़ा खतरा पैदा किया। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। तो मेरा यह कहना है कि वो प्रचार में आगे बढ़ते हैं और हम उनका खंडन नहीं कर पाते। वो झूठ ऐसा बोलते सच दिखता है, हमारा सच जो है झूठ लगने लगता है। तो मेरा सभी भाइयों से कहना है, यहां पे एक साहब बोल रहे थे
बहुत अच्छी बात कहे कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें तालीम चाहिए, तभी तो हम बराबरी करके उनकी उन अपराधों पर बराबर का मोर्चा लाएंगे। और मजबूत लोकतंत्र तब बनता है, मजबूत देश तब बनता है जब जब हम शिक्षित हों, हम उनके सातिर चालाकियों को समझ सकें। जब तक हम समझ नहीं रहे, सारे अब हिंदू की बात आती है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दलितों पिछड़ों को वो बहका देते हैं, उनका सारा हक खा रहे, हिंदू राष्ट्र बना रहे, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद जब तक आप नहीं समझोगे, वो नफरत क्यों फैला रहे, वो पिछड़ों का हक छीन रहे, दलितों का हक छीन रहे, वो इस पे चर्चा ना करें। पिछले 9 साल से नफरत के आड़ में उस गलती को छुपाया जा रहा। मुसलमान भाई अपने को अकेला ना समझें, 70% हिंदू उनके साथ हैं, वो भी उतने ही पीड़ित हैं जितना कि मुसलमान पीड़ित है, जितना कि दलित पीड़ित है, जितना कि पिछड़ा पीड़ित है। लेकिन वो तीनों को लड़ा देते हैं और खुद चैन की रोटी खाते हैं। हर जगह से अभी बिहार में जनगणना हुई, वहां पे 60% मैं बताऊं कि जो नफरत आपको है आपके साथ है, वही नफरत हमारे साथ है, वही नफरत दूसरे के साथ है, वो सबको लड़ा रहे हैं, ये समझना होगा। और नफरत भगाने के लिए सारे हिंदुओं को एक खाने में नहीं रखना होगा, ये समझो। उनसे ज्यादा उनके दुश्मन हिंदुओं में उनके हैं, वो इसलिए है को सबका हक मार रहे। अब बातें आ गई, हिंदू राष्ट्र की बात कहके वो भड़काते हैं, ऐसी बात रखेंगे तो उसकी काट नहीं होती। साथियों, उसी नफरत को हमें मिटाना है। मैं तो ये कहता हूं, पाकिस्तान एक दिन पहले भारत से 1947 में आजाद हुआ, धर्म के नाम पे आज कितने पीछे चला गया। बांग्लादेश 1975 में आजाद हुआ, धार्मिक राष्ट्र होने से बिल्कुल अभी नीचे है भारत से। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, कभी भी भारत की मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वो सारे धार्मिक राष्ट्र बन के विकास किए होते तो मैं भी कहता कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन जो धार्मिक राष्ट्र बनाए वो बर्बाद हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। हमें समझना होगा, नफरत की जड़ पे प्रहार करना होगा। हम सारे एक हैं, सबकी रगों में एक खून बह रहा है, लेकिन इसमें कुछ सातिर हैं, हर कौम में अच्छे हैं, हर कौम में बुरे हैं, हर धर्म में अच्छे हैं, हर धर्म में बुरे हैं। हम सबको एक सीख लेनी पड़ेगी, यहाँ संकल्प लेना होगा कि अगर कोई झूठ प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, अगर कोई झूठ प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है, नहीं ज्यादा ताकत है तो कम से कम 2 लोगों तक उस झूठ का खंडन जरूर करें। और उनके पास टीवी चैनल है तो आप पे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यहां से उसका खंडन कर सकते हो, पर्चे बांट के उनके झूठ को मिटा सकते हो। वो मात्र 8 से 10% लोग 90% लोगों को तंग कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अभी चुनाव है, तब तक हिंसा रुकने वाली नहीं है। वो नफरत मणिपुर से शुरू किए हैं, मणिपुर जल रहा है, बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, अपमानित की जा रही हैं। इस पर शोक व्यक्त करने का इस प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। इजराइल की तरफ से खड़े होने गए, हमारे देश की नीति ये नहीं रही है, हमारे देश की नीति को तोड़ के वो अलग से अपनी नीति बना रहे हैं। हम सबको फिर से उसी विषय पर, समय मैंने ज्यादा ले लिया इसलिए मैं अपनी बात खत्म करूंगा,
मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हिंसा कोई रास्ता नहीं है, समझदारी ऐसी छोटी छोटी मीटिंग है। मैं प्रार्थना करूंगा भाई बेताब जी से, जहां भी करेंगे जितने लोगों को कहेंगे अगली बार इतने ही हिंदू में लाके यहाँ खड़ा करूंगा, क्योंकि ये मीटिंग और सफल होगी। जितने आप लाओगे उतने लोगों को लाके समझाया जाए मेरे में गलती है तो हम पीछे हटे, अगर उनमें गलती है तो उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। और अन्याय हमेशा हारा है, सत्य की हमेशा जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।